लेजेंड्स लीग क्रिकेट बाएं फैलाकर आप सबका स्वागत करती है और हम यहां पर हैं राजधानी दिल्ली में गुजरात जायंट्स बनाम इंडिया कैपिटल्स लाइव हमारे हैं अरुण जेटली स्टेडियम से। मेरा नाम पद्मजीत शरावत है और मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। हमारी लीग लेजेंड्स क्रिकेट लीग बाएं फैलाकर आप सबका स्वागत करती है। पिछले दो दिन से भारी भरकम मूसलाधार बारिश हुई थी। ग्राउंड स्टाफ ने जी जान लगाकर सब कुछ झोंक कर एक्सीलेंट काम किया है और ये बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, इंस्पेक्शंस हुई और सुखाया गया, सारे तरीके अपनाए गए। अब हम तैयार हैं, यानी कि आप देख सकते हैं जो पिक्चर्स हम आपके लेके आ रहे हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ में जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया हो और उनकी मेहनत से, उनकी शिद्दत से, उनकी लगन से हम ये यहाँ पर सिचुएशन आपको बता रहे हैं। ताज़ा हाल ये है कि ग्राउंड अब सूखा दिया गया है और थोड़ी ही देर में शायद हमें अच्छी खबर मिल सकती है। वी कमिंग लाइव और ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लाइव है। We're all set for the toss here, ladies and gentlemen, boys and girls. Time to celebrate the start of action here in the Legends League cricket. Captain of India Capitals Gautam Gambhir. Today we've got Gujarat Giants captain Tilakvendra Dilshan. Vijayalakshmi, our match referee, is with us, and we've got GM Ruchir, owner GMR Group IC. Who's got the coin? You've got it, sir. Goes for a roll again. So Gautam, you won the toss, you're going to bowl first, it's an obvious choice, right? Yeah, obviously, T20 cricket, there has been a rain around, looks a little soft, might just get better later on, and look, I think it's always advantage when you're chasing, especially I'm a big fan of chasing. So there it is, the news from the center, India Capitals have won the toss, and they've elected to bowl first. Because ye drishya aap jo dekh rahe hain, ये हम सब मुकाबला देखना चाहते थे। एक नज़र फिर से डाल लें, गुजरात जायंट्स की जो टीम है, रिचर्ड लेवी, केविन ओब्रायन शतक लगा चुके हैं, तिलक रत्न, दिलशान, सब इंतजार कर रहे हैं डिल स्कूप देखने के लिए। लैंडल सिमंस अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, मनमिंदर बिस्ला बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, थिसारा परेरा, एमरिट, जोगेंद्र शर्मा, ग्रैम स्वॉन, अपन्ना और मिचेल मैक्लेनगन। मैक्लेनगन ना जी का नाम सुनते ही ना वो मुंबई इंडियंस की जर्सी याद आती, लेफ्ट आर्म जब गेंदबाजी करने हमेशा देखते थे, और वैसी जर्सी उनके ओपोनेंट्स की है। अगर आप इंडिया कैपिटल्स की बात करें तो यहाँ पर शुरू से आप आ जाइए, गौतम गंभीर कह लीजिए, सलमान मायर की आप बात कर लें, मसाकर, जब दोनों ने ही अर्धशतक बनाए थे, बड़े ज़बरदस्त उस मुकाबले की बात करें, और चार नंबर पे इनसे बढ़िया प्लेयर आपको रॉस टेलर से बढ़िया मिल नहीं सकता। स्पिनर आते ही, ऑफ स्पिनर आए तो समझ लीजिए मिड विकेट पर ये आपको मारेंगे मारेंगे। तिलक रत्न दिलशान ओपनिंग करने आ रहे हैं, उनके साथ केविन ओब्रायन है। नॉर्मली आप वीरेंद्र सहवाग और केविन ओब्रायन को देखते हैं, तो आप रिटायर क्यों हुए थे? मगर उसी फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे तिलक रत्न दिलशान भी, उसने अच्छा प्रदर्शन किया और साथ में केविन ओब्रायन पहले सीजन में भी जिस तरीके से पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और मिचेल जॉनसन, ये मुकाबला जो है ना ये कांटे का होगा क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से वो याद आता है पहली गेंद। डाउन द लेग साइड, ये आप समझ सकते हैं निखिल, क्योंकि पहला उंनका जो टारगेट होगा वापस ऑफ स्टंप के बाहर से स्विंग कराने की कोशिश रहेगी इस तरीके से कुछ, लेकिन तैयार थे वहां पे केविन ओब्रायन भी कड़ाकेदार चौके के साथ। ये शुरुआत फ्रंट फुट जहां था वहीं रहा, बैकफुट पर खेला, डाइव भले ही लगाई हो मगर यहां पर भी मिलेंगे चार और रन। पहले ही ओवर में दोनों टीम्स यहां पर जानती हैं इन दोनों चौकों की अहमियत। क्या मिलेंगे चार? जी मिलेंगे चार। पीछे बड़ी स्क्रीन पर इंडिया कैपिटल्स वन द टॉस, सिलेक्टेड टू फील्ड, ये क्विक कॉन्फर्मेशन, पंच किया, शानदार किया, माशाल्लाह क्या बात। बदलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो हाथ में फिसलता जरूर है। और ये गेंद फिलहाल फिसली नहीं है, इसको भेजा गया है। व्हाट अ शॉट, हाथ में थोड़ा सा नया गेंद है, जितना तेज डालेंगे स्किड करेगा, और प्रवीण तांबे के हाथ में वो घुमाव है, कदमों का इस्तेमाल, और कहा मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा, या आप स्कोर को डिफेंड कर रहे हैं। चार लीजिए, क्योंकि राउंड द विकेट डाल रहे हैं तो वो एंगल, ये बेहतर शॉट है, ये वो एंगल का इस्तेमाल करके वो कवर्स की दिशा में ऊपर डाली गेंद, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चार रन क्या वहां पर मिलेंगे, चेस अभी भी जारी, गेंद जीतेगी। वो बेहतरीन कोई शॉट्स ने लगाए, रीन तांबे और सीधा फील्डर को पाया, वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था और ये बड़ी सफलता
77 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, पर इस बार जो फील्ड भेदने का प्रयास था वो सही बैठा नहीं। केविन ओब्रायन आउट हुए 23 रन बना के 47 पे 1 गुजरात जायंट्स। इस बार उठा के खेला है ऑन साइड पे और सीधा फील्डर को पाया, पहली विकेट तो मिल चुकी थी, अब दूसरी विकेट भी। बहुत कामयाब रहती है अगर आप सही क्षेत्र में डालेंगे तो। सीधी गेंद थी, आधा टर्न कराने की कोशिश थी नहीं और वही चाहता था, और दूसरी सफलता मिलती हुई। लैंडल सिमंस वापस गुजरात 47 पे 2। एक और सफलता मिलती हुई यहां पर एशले ने उसको। ये संकेत अच्छे नहीं है गुजरात जायंट्स के लिए, लेकिन इंडिया कैपिटल्स के लिए। और यहां पे एक और विकेट का पतन, बढ़िया लाइन थी, हल्की सी टर्न और गेंद सीधा ऑस्टर पे लगती हुई। गत लाइन पे वहां पे खेल रहे थे, फिलहाल परेरा वापस गए 5 रन बना के 54 पे 3। और यहां पे भारी किनारा और एक और विकेट का पतन, बिस्ला आए और ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, इनको भी वापस जाना पड़ेगा। तो नहीं चाहिए था ना, एक बल्लेबाज की जरूरत थी, एंगल किया बहुत ज्यादा बाहर थी बिस्ला के बल्ले से गेंद। दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी चौथा झटका 55 पे। यहाँ पे अपील जरूर की है विकेट कीपर और गेंदबाज ने, और यहाँ पे लेट थोड़ा रिएक्शन रहा, पर कहीं ना कहीं उंगली उठती हुई अंत में खेलने के लिए, और इस गेंद पर भी ऐसा ही किया रिचर्ड लीवी ने। अगर आपके बल्ले से गेंद नहीं लगी, पैड पे लगी, तो फिर तो आप इन द लाइन है। और किम कॉटन जो न्यूजीलैंड से है, 5वां झटका 57 पे 5, इसलिए वो शॉट को टाइम नहीं कर पाए। जी हाँ, इंटेंशन बिल्कुल साफ है, जिनको कैपिटलाइज करने को देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, जानते थे कि ऑफ साइड पे फील्ड सजाई हुई है। मैं निखिल तो बार बार चले गए, आप और मैं बचपन में मिले थे, 13-14 साल के अंडर 15 खेला करते थे। थिकिश आउटसाइड एज, बोल्ड हिम, ये एक और झटका, रन रेट को एक्सेलरेशन देने के चक्कर में जोगिंदर ने ये प्रयास। लेंथ बैक ऑफ द हैंड, धीमी गति की गेंद और वो पिक नहीं कर पाए जोगिंदर, और लियम प्लंकेट सफलता, 11 रन बना के वापस पवेलियन 83 पे 6। ऐसे करते कदमों का इस्तेमाल, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा, और उठा के खेला है, कनेक्शन बहुत जबरदस्त, और जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। हमें हमारे साथी कमेंटेटर कह रहे थे कि गेंदबाजी तो ये बखूबी करते हैं, बल्लेबाजी कैसी कर सकते हैं उसका और वही एरिया इनका, वहीं पे वो बड़े शॉट्स लगा रहे हैं, लगभग एक्शन रीप्ले। इनका पिछले गेंद पहले भी इसी ओवर के अंदर 6 रन बटोरे थे, इस बार गुगली आनी नहीं थी, पढ़ पाए थे कि प्रवीण तांबे कुछ गलत नहीं हुआ। 48 पर खेल रहे हैं और एक बड़ा शॉट लगाया है यहाँ पर तिलक रत्न दिलशान ने, और अर्धशतक पूरा हुआ, 50 रन दिलशान के पूरे हुए, कप्तानी पारी, आगे से लीड किया है, एक छोर संभाल के रखा है, 50 रन 45 गेंदों में। और इस बार उठा के खेला है, पर संपर्क वैसा नहीं और मौका गवा दिया, राहत की सांस ली होगी, और यहां पे एक जबरदस्त इंप्रोवाइज करते हुए, और खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त फील्ड को भेजते हुए, ये कला है, बने रहना होगा और इस प्रकार वो शॉट्स खेलने होंगे, गैप भेजते हुए और मिलेंगे 4 रन। ग्रैम स्वॉन ने भी अच्छा साथ दिया, 26 पे वो है, और इस बार विकेट मिल गई, इस बार यादा सफल कर बैठे, ऑन साइड पे खेलने का प्रयास था, पर ये सफलता मिलती हुई जॉनसन को। जी हाँ, थोड़ा जबरदस्ती वाला शॉट था क्योंकि फाइन लेग थोड़ा सा रिस्क लिया यहाँ पर, ज्यादा शफल करके चले गए, अगर अपनी जगह पे खड़े रहते और संपर्क होता बल्ले से तो भी 4 रन मिल जाते। ऑन साइड पे और वहीं पे बल्ला घुमाया और मिलेंगे 6 रन, तो क्या यहाँ पे इनिंग से समाप्ति किया दिलशान ने, 75 पे नाबाद। इसको वो आता हुआ आज बोला कि आप कप्तानी करेंगे, वीरेंद्र सहवाग आज नहीं खेल रहे गुजरात जायंट्स के लिए, और एक चीज जो कंसिस्टेंट रही पहली गेंद से एंड तक वो रहे तिलक रत्न दिलशान, 75 नाबाद। sky247.net legends league cricket में
दिलशान 75 नाबाद, केविन ओब्रायन 23 रन। अच्छी साझेदारी शुरुआत में ही जब 47 रनों की शुरुआती पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद लगातार विकेट्स का पतन होता हुआ ग्राम स्वान ने बल्ला घुमाया और उसके बाद एक मोमेंटम सा मिल गया इस इनिंग्स को। चिगंबोरा 3 नाबाद रहे, लेकिन इस पूरी इनिंग्स में रहे दिलशान क्लेयर टू वॉच आउट फॉर। जी हाँ, जॉनसन एक सफलता थोड़े महंगे साबित हुए। पंकज सिंह ने एक मात्र ओवर डाला, सुअल 3 ओवर 14 रन 1 विकेट उनको मिली। नर्स 2 सफलता है उनको। तांबे ने अच्छी गेंदबाजी की, मध्य ओवर्स में वो विकेट लिए स्पिनर्स ने, तांबे और नर्स ने। स्वागत है आप सभी का। तो अब ये जो रन चेस है बहुत दिलचस्प रहने वाली है। कप्तान गौतम गंभीर अंदर आते हुए, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। 152 रन बनाए हैं जायंट्स ने 7 विकेट नुकसान पे, 153 का टारगेट रहेगा। सोलोमन मार जो साथ देंगे गौतम गंभीर का, और सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक रेट 144 का है। ज़बरदस्त चीज़ है कि गौतम गंभीर अगर आप देखें तो अनुभव आप देखिए उनका, 251 मुकाबलों का। जोगिंदर शर्मा के हाथ में वो नई गेंद, 61 विकेट उनके लिए। जी हाँ, सब चाहेंगे कि पहली गेंद से वो एक असरदार स्पेल डाले। बाल बचे वहां पे, पर ये देखिए शॉट, गजब का शॉट और गजब की टाइमिंग। और इस बार भारी किनारा, मिलेंगे 4 रन, मिलेंगे 4 रन और। जैसे आप कहते हैं रन जैसे भी आए, और ये अंदरूनी किनारा बहुत बढ़िया तरीके से पिक किया सोलोमन मीरे। जैसे ये शॉट खेली थी और बल्ले से निकले, उसमें 6 रनों की छाप थी और क्या पोजीशन में आ गए थे, और एक काफी दूर जाके गेंद गिरी। और फिर से दौड़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मिलेंगे 4 रन और। किस लाइन और लेंथ पे डालें कि हम विकेट चटकाने को देखें, सिर्फ टहला दिया, गैप ढूंढा और टाइमिंग के चलते वो 4 रन। लेट खेला पर मिलेंगे 4 रन, खूबसूरत शॉट, महंगा ओवर। और स्वीप करने का प्रयास, अपील, और यहां पे सफलता मिलती हुई, इसी विकेट की दरकार थी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, उनका पांव जो है वो लेग स्टंप के बाहर था और इंपैक्ट लेग स्टंप के बाहर, इसीलिए थोड़ा सा निराश। गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है, तभी निराश वापस जा रहे थे, काफी नाखुश। 14 पे आउट हुए 48 पे। चेरन मतलब बल्ले का केवल पुश किया है। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू ही बोला सभी लोगों ने, क्योंकि ये गेंद किसी और से नहीं टकराई, सीधा बाउंड्री रोप्स पे टकराई। इतना ज्यादा पसीना छलक रहा था। मौका है एक और विकेट लेने का, डिस्टेंस नहीं मिला, सफलता मिली यहां ग्राम स्वान को। चलो, इनकी कमजोरी पता चल गई, अब स्टेप आउट कर गए, लेकिन ये हाथ से फिसली हुई गेंद, एक बड़ी फुल टॉस, स्टेप आउट नहीं किया, माफ कीजिए, क्रीज से मारा उन्होंने, और एक बहुत ही सेफ कैच लेते हुए लंडन सिमंस। 40 पे आउट इंडिया कैपिटल्स 69-2। बहुत करारा प्रहार था इस पे, लैंडल सिमंस भी नहीं रोक पाए। टर्न कराने की जरूरत पड़ी नहीं। 6 रन और देखी है। मैं कह रही हूँ बैटल में आ नहीं रहे हैं, मैं कह रही हूँ बैटल तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। वो गेंद का स्पिनिंग फिंगर के ऊपर है, तो जब छोटे बच्चे जब सीख रहे होते हैं बॉल को कैसे घुमाना, ये वो आदत रहती है। 4 रन यहाँ पर आ गए, अलग अलग इमोशंस निकल के आते हैं। कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस, बॉलर के ऊपर से 4 रन, तीर की तरह सीधा, गोली से भी तेज, निशाना अभेद। जब बैट के बीच में लगती गेंद, स्वीप किया एक बार फिर से, अच्छी तरीके से टाइम किया, तो आप अपने एरियाज को पिक करके जल्दी गेम खत्म करने को देखें। कुछ देर के लिए गेंद जब हवा में थी, थोड़ा सा इंटरेस्टेड नजर आया था जोगिंदर, लेकिन मासा काब्जा,
और बेसिक चीज होती है। ओ बड़ा शॉट, फील्डर उसके नीचे, क्या ये होगा विकेट? जी होगा विकेट, रामदीन जाएंगे पवेलियन। गेंद स्किट किया, सीधा चला, इसीलिए क्रॉस द लाइन वो ठीक से टाइम नहीं कर पाए क्योंकि तेजी से आया गेंद और सीधा चला। 13 रन बना के आउट में रामदीन, 121 पे 3। बढ़िया रही, एक बार फिर से देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब आप सिर्फ जाइए गेंद को उठाइए वापस भेज दीजिए, मजा आ गया देख के। और बैक टू द बॉलर जब आप खेलते हैं आपका सबसे बढ़िया चीज वो ये रहती है कि दो फील्डर उसके लिए भागते हैं। और शानदार शॉट, ये उनका अर्धशतक, तालियों से इस्तकबाल करें इस बेहतरीन इनिंग्स का, पूरा डग आउट राइजिंग इन एक्सटेसी। पर मुश्किलें बढ़ती हुई क्योंकि अब जिस अंदाज से बल्लेबाजी हो रही है, पर ये एक सफलता मिलती हुई अजंता मेंडिस को, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, सीधा फील्डर को पाया, चौथा विकेट का पतन कैपिटल्स के लिए। स्वागत है अंजुम, बहुत फायदेमंद है गुजरात जायंट्स को। जो बल्लेबाज एक अच्छा खासा प्रहार कर रहा था उसकी विकेट मिले यहाँ पर, इस बार गलती नहीं करी। राइट एमिरेट बाउंड्री पे खड़े थे, जानते हैं चूक हो गई, चार विकेट के नुकसान पे हैमिल्टन मासाकाट्सा 50 रन बना के वापस। ओह सीधे बल्ले से, सेफेस्ट एरिया पर, टाइमिंग इतना उमदा कि मिलेंगे 6 रन। जल्द से जल्द मुकाबले का समाप्त करना चाहते हैं एस्ट्रोनर्स, पर इतना समय था मासाकाट्सा के पास, माफ करिए नर्स के पास, कि वो गेंद को सीधा मार पाए। जानते हैं एक और दो टीमें जिनके पास वो बेहतरीन लाइनअप्स हैं। खूबसूरत शॉट, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मिलेंगे 4 रन। सीधे बैट से खिला रोहित भाटिया ने, तो मैच जिता नहीं पाई आज जब जायंट्स को। लीजिए जो विनिंग रन है वो आता हुआ, और इसके साथ वो जीत भी मिलती हुई कैपिटल्स को। बहुत ही बेहतरीन आज उनकी परफॉर्मेंस रही है, बढ़िया प्रदर्शन रहा है, 6 विकेट से मुकाबला जीता इंडिया कैपिटल्स ने। और कहीं ना कहीं अब जो उनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में बहुत शानदार रही है। जी हाँ, दूसरा मुकाबला इंडिया कैपिटल्स की टीम जीतती हुई इस 24sky247.net लेजेंड्स लीग के अंदर, और ये वाला मुकाबला तो 6 विकेट्स। दिल्ली के अंदर बारिश हो रही थी, आज सुबह से बारिश नहीं हुई, लेकिन ग्राउंड्समैन ने बहुत मेहनत करी, समय लगा ग्राउंड को और बेहतर अनुकूल बनाने का मुकाबले के लिए, लेकिन जब मुकाबला हुआ तो तब इंडिया कैपिटल्स ने पहले 152 पर गुजरात जायंट्स को 7 विकेटों के नुकसान पर रोका, और उसके बाद 50 रन हैमिल्टन मासाकाट्सा के बल्ले से, 41 सोलोमन मीरे के बल्ले से मुश्किल हुई गुजरात जायंट्स को सफलता लेने में। अजंता मेंडिस सबसे बेहतरीन साबित हुए क्योंकि उनको 2 सफलताएं मिली, लेकिन तसारा परेरा और अपन्ना जो सबसे ज़्यादा जिनसे उम्मीदें थी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, एक सफलता ज़रूर मिली स्वान और अपन्ना को। गुजरात जायंट्स 152। जी, और दिलशान की बात करें तो 75 रन आबाद एक कप्तानी पारी के द्वारा रही, 59 गेंदों में नर्स ने 2 विकेट लिए, तांबे ने 2 सफलताएं ली, और कैपिटल्स ने बहुत आसानी के साथ ये मुकाबला जीत लिया।
मसा गाड़सा की वो बेहतरीन पारी, जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही।